कि शिव और शंकर में हाँ. क्या डिफरेंस है? हाँ. शिव शंकर भोलेनाथ, शिव हम बोलते हाँ. रहते हैं एक्चुअली. आम जनमानस में हाँ. आम मन में तो ये एक ही है, शिव बोलो कि शंकर बोलो कि भोलेनाथ बोलो कि कैलाशपति बोलो, सहस्त्रों नाम है उनको आप एक ही कह देते हैं. पर अध्यात्म की दुनिया में बाकी सारे नाम सिर्फ नाम है और शिव सत्य है. सत्यम शिवम सुंदरम, शिव आत्मा है. सिर्फ शिव के लिए आप कह सकते हैं कि शिवोहम, आप शंकरो हम नहीं बोलेंगे. है शब्द ही है, कुछ नहीं है, उच्चारण ही जो गले से और होठों से उद्भूत हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है. ध्वनि हो, ध्वनियों की ही बात है, लेकिन ध्वनियों में भी कौन सी ध्वनि इंगित क्या कर रही है जानना जरूरी है. शिव कोई चरित्र नहीं है, शंकर का चरित्र होता है. शिव का कोई परिवार नहीं है, शंकर का परिवार, पत्नी, बच्चे, ये सब होते हैं. शंकर किसी पुराण के, किसी गाथा के केंद्रीय पात्र हो सकते हैं, शिव नहीं है. यहाँ तक कि हम जिसको शिव पुराण के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो शिव की नहीं, शंकर की कहानी है. शिव सत्य हैं, शिव परमात्मा हैं. शिव वो अनादि अनंत ज्योति है जिसके कारण हम हैं और जो हम हैं. तो शिव इसीलिए पूर्णतया निराकार है. वास्तव में शिव कहना भी शिव को सीमित करना है. आपको वास्तव में यदि शिव कहना है तो आपको गहरे मौन में ध्यानस्थ होना पड़ेगा, वो शिव है. शंकर के बारे में आप जितना कुछ कहना चाहते हो, शंकर अवतार हुए. शंकर ऐसा समझ लीजिए कि आदमी की कल्पना जितना ऊंचे जा सकती है और जितना बड़े से बड़ा महल खड़ा कर सकती है और अपने लिए जो प्रबलतम आदर्श स्थापित कर सकती है, वो शंकर है. शंकर भी एक ऊंचाई है. शंकर मन जितनी अधिकतम ऊंचाई पे उड़ सकता है वो है, और शिव है उस मन का, वो बिंदु हो गया, उस मन का आकाश में विलीन हो जाना. मन को पक्षी मानिए, जितनी ऊंचाई तक वो उड़ा और अभी पक्षी है, पक्षी बनकर उड़ा, उसे शंकर मानिए. और जिस क्षण वो आकाश में ही लुप्त हो गया उसको शिवत्व मानिए. तो शिव क्या है? वो खुला आकाश है. शंकर क्या है? वो उस पक्षी की आकृति है, ऊंची से ऊंची उड़ान है, ऊंची से ऊंची उड़ान है. इससे ऊपर अब वो कुछ सोच ही नहीं सकता. तो विचार का उच्चतम बिंदु हुए शंकर और निर्विचार हुए शिव. मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये जीव जंतु या सांप वगैरह दिखाए जाते हैं शिव के, तो ये विकार हैं कहते सारे ही, जो जिनसे शिव निर्विकार है. मतलब वो सब चीजें हैं जो संसार की है, जो लेकिन वो उनसे निर्लिप्त नहीं है, उनमें नहीं है, वो उनसे अलग है और निर्विकार है. तो विकार शब्द है ना, क्योंकि जब अपन देखते हैं तो कहते हैं शंकर विवाह, शिव विवाह नहीं कहते. शिव विवाह नहीं कहते हैं, कहने वाले शिव विवाह भी कहते हैं, कहने वाले शिव विवाह भी कहते हैं. आमतौर पर जो है वो शंकर. हाँ, लेकिन इन दोनों में अंतर करना वैसे ही जरूरी है जैसे कबीर के राम में और दशरथ पुत्र राम में अंतर करना जरूरी है. बिल्कुल, शंकर और शिव में बिल्कुल वही अंतर है. जब कबीर कहते हैं राम 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 तो शिव की बात कर रहे हैं, कबीर के राम शिव हैं. और हम जब रामलीला देखने जाते हैं तो वहां जो राम है वो शंकर है. अवतार हुए, आदमी की कल्पना की उड़ान हुए, ऊंची से ऊंची उड़ान. कबीर ने तो बोला भी है ना कि दशरथ सुत तिम लोक बखाना, राम नाम का मर्म है पाना. अच्छा, ये बात उन्होंने अपने दोहे में कही है. अच्छा, ये एक और जरा वैसे था, इट्स वेरी अपसेट समझे क्या है. हम जितने भी वो है शक्ति है सब हम श्री लगाते हैं, श्री चामुंडा माता, श्री राधा कृष्ण, मतलब श्री जो है
जितनी है लक्ष्मी नारायण श्री श्री माताओं के साथ साथ रहते हैं। हम कहते माता ही जो है ये शक्ति है, ये अर्धांगिनी है। अगर शिव की अर्धांगिनी है तो पार्वती है, राम की अर्धांगिनी सीता है, अगर विष्णु की वो है अर्धांगिनी तो वहां तो हम श्री लगा देते हैं। जब हमारी अर्धांगिनी की बारी आती है तो हम श्रीमती लगाते हैं। तो वहां क्यों शिव कहते हैं कि ये शक्ति है? शक्ति तो हमें भी जो शक्ति मिली है वो हमारे अर्धांगिनियों से मिली है ना शक्ति, तो हम वहां क्यों नहीं यूज करते हैं श्री? अच्छा सवाल है, समझना होगा। देखिए पहली बात, शक्ति शिव की अर्धांगिनी नहीं है। जो ये आम संस्कृति में रूपक चलता है, जिस प्रकार प्रस्तुति की जाती है अर्धनारीश्वर की, वो ठीक नहीं है। उसमें आधा शिव आधा पार्वती दिखा देते हैं और कहा जाता है ये अर्धनारीश्वर हो गए, वो गलत है। उस तरह का कोई चित्र आप देखें तो चेत जाए, वो उचित नहीं है। शिव और शक्ति का संबंध ये नहीं है कि वो इतने मिले जुले हैं कि आधे ये हैं और आधे ये हैं। शिव और शक्ति का संबंध ये है कि जो कुछ है वो शक्ति है, और शक्ति के हृदय में जो है वो शिव है। तो यदि कभी आपको शिव और शक्ति को एक साथ प्रदर्शित करना हो तो ऐसे ना प्रदर्शित करें कि आधे शंकर आधे शक्ति, वो ऐसे प्रदर्शित करें कि मात्र शक्ति, और शक्ति के हृदय में जो है वो शिव है। शक्ति का अर्थ है ये समूची व्यवस्था, शक्ति का अर्थ है वो सब कुछ जिसे हम अस्तित्व कहते हैं, ये पूरा खेल, ये आना जाना, ये ऊर्जा का प्रवाह, ये सब शक्ति है। तो जो भी कुछ हम जान सकते हैं वो सब शक्ति है, जिसका अर्थ है कि जो भी कुछ हम एक चित्र या प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं वो शक्ति ही होगा, कभी शिव नहीं। आपने यदि किसी का खाका खींच लिया तो अब वो शिव नहीं बचा। शिव वो है जो अचिंत्य है, जो कभी आपके शब्दों में आ ना सके, विचार में समा ना सके, और चित्रों में आप उसे दर्शा ना सके। आप जो भी दर्शा रहे हैं वो शक्ति है, इसीलिए जो भी चित्र बना है वो शक्ति का है। शक्ति के केंद्र में जरूर शिव बैठे हैं, शक्ति के केंद्र में जरूर शिव बैठे हैं, पर चूंकि लोग इस बात को समझते नहीं इसीलिए आधी शक्ति, और ऐसा लगता है खेत बांट दिया, आधा आधा करके जोड़ दिया, वो बड़ा विचित्र लगता है, तो वो उसके फेर में ना पड़े। अब बात आती है कि श्री इसलिए लगाया जाता है क्योंकि श्री सूचक है शुभ का। श्री का अर्थ होता है कुछ भी, हाँ शुभ। श्री का अर्थ होता है कि कुछ ऐसा है जो सबके लिए हितकारी होगा। श्री का अर्थ होता है कुछ ऐसा है जो चिरंतन सत्य है। चिरंतन सत्य मात्र वो हो सकता है जो शिव से उद्भूत होता हो। चिरंतन सत्य मात्र वो हो सकता है जो निकलता ही शिव से हो। हमसे जो निकलेगा, हम ही समय में आधे अधूरे बटे हुए हैं, सीमित हैं, हमसे चिरंतन सत्य कैसे निकल आएगा? इसका मतलब है कि मात्र शिव का जो प्राकट्य होता है उसको श्री कहा जा सकता है। शिव की पत्नी, शिव की शक्ति, उसे आप शिव की, उन्हें आप शिव की पत्नी कह सकते हैं, उन्हें आप शिव की पुत्री भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। मात्र शिव की अर्धांगिनी को हक है कि उनके नाम के साथ श्री जुड़े, क्योंकि उनका राजा, उनका केंद्र, उनका पति शिव है। शिव की पत्नी श्री कहलाएगी, हमारी पत्नी तो श्रीमती ही कहलाएगी, क्योंकि हम शिव नहीं। जिस दिन हम शिव हो गए हमारी पत्नी भी श्री कहलाएगी। अंतर समझ रहे हैं? शिव पूर्ण है, इसीलिए उनसे जो भी कुछ निकलेगा वो सबके लिए शुभ होगा, उसे श्री कहें। हमसे जो निकलता है वो तो करीब करीब अहंकार से निकलता है, वो शुभ कैसे हो सकता है? तो इसीलिए कैसे कह दें श्री? हमें तो अपने नाम के साथ भी श्री लगाते हुए जरा ठहरना चाहिए। अपने नाम के साथ जब श्री लगाएं तो बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी ये आ जाती है कि अब भाई वही बोलना जो शिव तुमसे बुलवाए, और वही करना जो सत्य तुमसे करवाए। कुछ और करोगे तो महापाप।
हम सब साधारणतया अपने नाम के साथ श्री तो लगाते ही हैं, कौन ऐसा है जो नहीं लगाता। और श्री लगाना अधिकाधिक जिम्मेदारी है, उससे बड़ा कर्तव्य कोई नहीं। श्रीमती वैसे भी आधुनिक वर्ड, आधुनिक शब्द, आधुनिक समय का, नहीं नहीं श्रीमती पहले था ही नहीं। नहीं नहीं, नहीं मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि हम जितने हमारे मंदिर है, श्री राधा मंदिर, श्री लक्ष्मी मंदिर, श्री जो है सब हम श्री लगे, श्री 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 माता मंदिर, ठीक है ना, सब श्री लगे हैं, ठीक है ना, उनके साथ तो श्री लगे उन्हें और उनका नाम पहले आता है। वहां से जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है तो पहले श्री लक्ष्मी आएगा नाम, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी मंदिर नहीं आए, ठीक है ना। वहां पर जो श्री को जब आता है शक्ति को, मतलब ये शक्ति हुई ना, शक्ति को महानता दी गई है, इम्पोर्टेंस जो है भी अब गिवन द इम्पोर्टेंस टू द शक्ति। नहीं, हमने शक्ति को महत्व इसलिए नहीं दिया है कि वो शक्ति है, हमने शक्ति को महत्व इसलिए दिया है, शक्ति की पूजा इसलिए की है क्योंकि वो शिव की पत्नी है। शक्ति यदि शिव विमुख हो गई तो किसी काम की नहीं, उसका फिर श्री नहीं लगेगा, फिर श्री नहीं लगेगा। तो किसी भी स्त्री के साथ श्री निश्चित रूप से लग सकता है यदि उसका पति शिव हो। समस्त देवियों के पति कौन है ये तो बताइए, या कि उनके पिता कौन है, वो कहां से आ रही हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे भगवत्ता की उत्पत्ति हैं, इसलिए उनको आप कह देते हो कि श्री दुर्गा मंदिर। अब उसमें भी आप समझिएगा, आपने कहा कि ऐसा क्यों कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी क्यों नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पढ़ते ऐसे हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले आई, पहले क्या आता है, पहले हमेशा वो आता है जो हमारे सामने हो, हमारे सबके सामने हमेशा वो रहता है जो स्थूल है, गौण है, शरीरी है, पदार्थ है। लक्ष्मी भी क्या है, लक्ष्मी वही है, लक्ष्मी वो सब कुछ है जो अस्तित्वमान है। तो नारायण तक आप पहुंचेंगे तो, लेकिन शुरुआत हमेशा लक्ष्मी से करेंगे। अभी उन्होंने प्रश्न किया था ना कि ब्रह्म तक कैसे पहुंचो, मैंने कहा शुरुआत जीवन से करो। जब आप जीवन से शुरुआत करते हैं सिर्फ तभी आप ब्रह्म तक पहुंचते हैं, ठीक उसी तरीके से नारायण तक पहुंचना है तो शुरुआत लक्ष्मी से करनी पड़ेगी, राम तक पहुंचना है शुरुआत सीता से करनी पड़ेगी, शिव तक पहुंचना है तो शुरुआत शक्ति से करनी पड़ेगी। कारण हम सब शक्ति में ही तो जी रहे हैं, शक्ति क्या है, ये जो पूरा खेल चल रहा है यही तो शक्ति है। जिसने शक्ति को नहीं जाना वो शिव को क्या जानेगा। शिव के साथ पहले, शिव पहले आते पार्वती बाद में आती, कभी आपने देखा शिव पार्वती, वही है ना, निर्विकार है ना शिव, उसका आकार कोई नहीं है, शिव निर्विकार है, ब्रह्म है, विष्णु शंकर ब्रह्मा, ये अवतार है। अच्छा एक ये शंकर जी है, जो है शंकर जी है, जब हम जाते हैं कहते हैं शंकर जी वो करते हैं मृत्यु के, जो वो है वो, तो जितने भी हमारे शमशान घाट वगैरह आते हैं वहां पर शंकर की ही वो मंदिर बने हुए हैं, वह शिव जी के क्यों नहीं मंदिर होते हैं, या शिव जी को हम वहां क्यों नहीं कहते, हम कहते शंकर, क्योंकि शिव की सीधे सीधे कभी पूजा हो नहीं सकती। आप मन से पूजते हैं ना, आपने आज तक आकार ही देखे हैं और शिव है निराकार, आप शिव की पूजा कर कैसे लोगे। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पकड़ में आए, हाथ में आए, दिखाई दे, जिसके बारे में सोच सकें, जिसके बारे में कोई किस्सा कह सकें, फिर वहां शंकर का जन्म होता है। शिव की आप पूजा कैसे करोगे, शिव को जानने के लिए तो शिव होना पड़ता है, और शिव ही हो गए तो कौन किसको पूजेगा, शिव को तो शिव ही जानेगा, शिव आत्मा है, मन तो आत्मा को जानेगा नहीं, शिव को शिव जानेगा, पूजा करोगे कैसे। तो पूजा जब भी करनी है तो किसी शंकर का निर्माण करना पड़ेगा, तो इसीलिए मंदिर